हाँ जी दोस्तों, गाँव के हाल ठीक ठाक हो, सब खैर मेरे। ए जी आ गया कल तले, बस ने इंतजार करना पे, बस आ गए तो फिर उस बाद फिर कमें पर जा सा। जनाब दसने पे के पूरा हफ्ता जरा बड़ी गर्मी पैसी, अज दूसरा दिन है तो धुप बड़ी तेज है, टेम्परेचर जरा तकरीबन कोई 32-32 ने लगभग है, तो जो फील होना है ना वो 40 ने लगभग है। तो लिहाजा उन्हें कि अपनी एहतियात अपने हाथ ही है, जितनी एहतियात करनी होनी उतनी करो। मैं बसा ने इंतजार करना, बस आवे फिर बसा बह के कमें जा सकता। अजना जरा माड़ा कूड़ा फिर आ गया सारा जरा ना, ये मेरी अपने पंजाबी जबान ही हो सी, तो तकने भाई संगीत पसंद आ सी या नहीं। तो वेलकम जी नवे ब्लॉग न जेड़े जेड़े मेरे फ्रेंड करो, लाइक करो, अपने दोस्तों का यार सारिया संगी बेलिया शेयर भी करो। चलो अज ना ब्लॉग करने स्टार्ट। तो है जनाब कबूतर आए थे अपना दाना पानी लेने वास्ते, वो जी उधरों सानी बस भी आ गई है, आई केड़ी है 134 है। चलो इसे तो बहने हैं, तो उस तो बाद अगर जाकर फिर दूसरी बस बह जाता, पहले इसने बहने हैं फिर अगर जाकर दूसरी चेंज करनी है। चलो मिलने हैं फिर सन बाद। हाँ जी दोस्तों, तो ये मैं अभी एक बस से उतर गया हूँ, तो अभी दूसरी बस की तरफ जा रहा हूँ, तो अभी उधर चल कर देखते हैं कि दूसरी बस कब आ रही है। दूसरी बस आए फिर उसमें बैठ कर जाएंगे, फिर आगे फिर उससे उतरूँगा। ओ सॉरी मैं तो पंजाबी में आज व्लॉग बना रहा था। अच्छा अभी एक अच्छा हूँ मैं बस से लै गया, हूँ अगली बस है पैसा दुई तकने कि वो बस कितने टाइम आनी है, वो बस आवे। ओहो मैं दूसरी शहर जाना सी, गल्ला करना करना इधर आ गया, पर चलो अभी अंदर हो जाते हैं। चल के तकने के बस कदों आ रही है, उसका टाइम चेक करने हैं, तो फिर जनाब बसें बहने हैं, बसें बह के तो फिर चलने कम आए पास, तो तुम कि दसने कि क्या कुछ अगर सुर त्याल बस वो उत्थे अगर जितने बस खलोती है ना इतने जा सा, इतने बस आपसी हो तो वाली बस मेरे हाल गई उठी है, पर चलो तकने हूँ कि बस कड़े टाइम आनी है, फिर बसें बह के चलने हैं तक दसने हैं। अच्छा जी मैं हूँ ही चेक किया टाइम, तो वो वाली बस तो लेट है, एक और बस आनी भी है तकरीबन 6 मिनट, तो उस बसें बहने हूँ उधर जान लगे पे जी 6 मिनट आनी है, भी उसने पैसा तो उसने बह के जाने फिर हूँ तकने कि वो आगे टाइम पर आनी है या कड़े टाइम आनी है। तो चलो बस स्टाफ पर उधर जाने तो नाल तक भी दसने है जनाब उस साइड पर जाना पे, ठीक है जी पहली बस का इंतजार करने के असर देखे ना वो बंदे खड़ोते सामने, ये उस बसा ने इंतजार करने गए, जिस बसा ने पहले इंतजार करने गया था वो तो लेट है, तो ये भी जी 6 मिनट आनी है भी। मैं चलो इसे भी चलने हैं, चलो बस आ गया तो फिर मिलने हैं है देखो जी अधे अधे रस्ते जी पुजे असा तो बस भी आ गई है, बस भी आ गई है, बसें बहने हैं फिलहाल तो कोई जनता नहीं इधर बंदे बहने रहे। चलो मिलने फिर बाद जी हूँ दूसरी बसा च भी लै गया, त्री बसा च हम पैने वास्ते जाना पे, तो सोच रहे उस तो बस बसा ही चेंज करना पा, क्योंकि काम जरा थोड़ा दूर है ना तो घंटा लगना है, इस वजह तो फिर त्रै बसा लेनिया पैनिया। हूँ है जी ए बस स्टॉप है, इतने वेट कर सस है ना, चेक करना कि बस कितने टाइम का काम नहीं है, भाई फिर उस बसें बह के जाने फिर मिल सी बाद, मैं पहले टाइम चेक कर लवा कि अगली जी बस है ना कितना टाइम है, तो कितनी देर तक आ रही है, धुप भी वाह तेज है तो अगू फिर धुप्पे भी टुरना पैसी, पर चलो मैं टाइम चेक कर लो तो फिर दसा तुम कि कितना टाइम लग गया बस है कि। हाँ जी दोस्तों तो मैं बस लिए बसा ने टाइम चेक किया है, तो 7 मिनट बस आ रही है, दो बसा शो करना से पाया तो हम तकने कि पहले कितने मिनटा च आनी, 7 मिनट च ही आनी है या उसको एक 2 मिनट पहले आ जानी है, बस आवे तो फिर बसें बह के चलने, तो तुसा भी देखो जी तो करी तपश वगैरह माई धुप सा छतरी लैके टुर रही है भी, क्योंकि धुप तेज है ना इस वजह तो फिर छतरी ना ताकि धुप जी है ना ज्यादा ना लगे, अगर धुप तेज लगनी है तो फिर क्योंकि इतने पसीना नहीं आना इस धुप्पे नाल, मगर यह है कि चुभनी बड़ी तेज है। तो वह है जी जिसने सारी दुनिया की ना तंग किए है, कई रलाने कई सहाने, जो वापस देश जाने वो असने जो उधर देशों इधर आने
और फिर रोने है जी। है जी बस भी आ गई है, बसे बहने हैं फिर चलने हैं कमरे पास है, फिर बसे चलाए कर से मिलने हैं क्योंकि धुप तेज है, बाद ही मिलने हैं। हाँ जी दोस्तों, तो मैं हूँ बसे लै गया, वो सर सामने पीछे तक बस लोती उस बसे चला था, तो हूँ जाना पे कमरे पास है, सिरे पर टोपी भी ला ली है क्योंकि धुप बड़ी तेज है। मैं चलो और कुछ ना सही, कुछ ना कुछ बचत करिए ना, तो चलो जी तकरीबन है कोई 10-15 मिनट नहीं वहाँ कहवे टुर के जाने हैं, तो फिर तुसा की जनाब मिलने हैं कमे ने इतने कोल पुज के, तो इतनी देर तुसा इतने नहीं रंग रौनक भी तक लो क्या कोई सिरे ते हाल है कोई डर भी। चलो मिलने हैं तुसा की कमे इतने कंपनी कोल पुज के। अच्छा जी हम कंपनी कोल पुज गया, तो यह देखो हूँ अंदर जा सा कोई 5-6 मिनट बहसा पानी शानी पीसा, तो फिर ही कोई जरा सह है ना अपने लैवल ते आवसी, गर्मी बड़ी तेज है, उल्लू काली शर्ट लगी है, ते गर्दन जड़ी है ना ये पता लगना है कि पिछू सड़नी है अभी। बड़ा चलो अंदर जाने हैं ते फिर तुम मिलने हैं। हाँ जी दोस्तों, ए जनाब बस पानी शानी पीता है 5-6 मिनट पीता है, ते हूँ कोई टायर चेंज करिए, टायर शायर लाइए 2-4 मिनट बोहिए, तो फिर एक हो जाए टाइम, तो फिर चल के काम स्टार्ट करिए। तो ए नसवार वाला भी आया है, कल जनाब अफगानिस्तान से श्रीलंका ना मैच होया है, अफगानिस्तान जबरदस्त खेल रहा है, वो जैसा फोन में इसने हाथी दिता उसे टाइम ही आउट होना शुरू हो गए सारे, मैच रुक के आना है हूं एल फोन मेरे हाथी दे दिता, मैं तू नह से अपनी टीम है वास्ते। चलो जी मैं टायर ला लवा ते फिर मिल सा तुसां ब्रेक ने टाइम। हाँ जी दोस्तों, तो मसले ब्रेक हुई है, तो हूँ मैं सोचा चलो कोई नाल ग्रीन टी बनाइए, तो नाल ही जनाब कोई खाइए पीए भुख भी लगी है, ग्रीन टी बना लीए फिर तुम मिलने आ तक हो ए जनाब, मैं सारा कोई इंतजाम पे है इतों ग्रीन टी बनाने तो फिर तुम मिलने हैं जनाब। तो ए जनाब असानी ग्रीन टी रेडी हो गई है, हूँ इसकी उत्तर टेबल पर रखने चल के, तो फिर जनाब पीने हैं नाल तुसां की भी दसने हैं। जनाब इधर अपने यह समान भी गर्म किया भी कर लो भी है नाल ही अज इन्हें कोई ना अज इधर इन्हें बनाई है चिकन ग्रेवी, वो भी टेस्ट करने हैं कि है जी बनी है हलाल है, तो अज वो भी टेस्ट करने हैं। जनाब यह चीज़ा पईया इसने इतों ये कड़ी है जुल के ये भी नाल खासा पीसा, तो ये जनाब ए चिकन कढ़ी बनी है, ए अपना अंडा चावल ए चीज़ा ने, तो चलो हम खाई पी लगी है फिर तुम्हें मिलने क्योंकि भुख बड़ी लड़ी लगी है, तो आ जाओ पहला गलत सा लाओ नहीं तो फिर मैं खा लो। ए जनाब खा पी लगी है फिर मिलने हैं तुम्हें। हाँ जी दोस्तों, तो ये अभी छुट्टी हो गई है, तो मुँह शूँ धो के बाहर आ गए हैं, गाड़ी में बैठने लगे हैं, बस के पास जाएंगे, बस के पास जाकर तो फिर आपसे मिलते हैं। ये जी गाड़ी भी आ गई, अभी गाड़ी में बैठते हैं तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ये जी गाड़ी में बैठ जाएं, इधर गर्मी बहुत पड़ रही है जिसकी वजह से कुछ मत पूछें, काम पे जो है ना तबाही निकल जाती है अगर फ्री से बाहर निकले तो। हाँ जी दोस्तों, तो अच्छा तो जनाब गड्डी बह गया जान लगे हूँ, ए रात ना है कोई थोड़ा सा सीन तकड़े चढ़ पे उपर नजर ही कुछ नहीं आना नेरा है ना, चलो बसा को पुजने तो फिर सामने मिलने हैं। हाँ जी दोस्तों, तो बस है उसने कार लै गया, तो हूँ जनाब ए बस खड़ोती है फिलहाल, उसने पर लिखा कि ना ट्रेन सर्विस, तो 9:30 जैसी और 9:10 हो 10 मिनट हो रहे हैं, 10 मिनट बाद जैसी है, चलो बस का इंतजार करने हैं तो फिर जनाब मिलने हैं तुम्हें की। ए चलाने वाली है जी ये दिखी है, तो चलो मिलने तुम्हें की बाद बस बह लगी है। तो जी बसें बह गई हूँ, ट्रेन ड्राइवर से दसी है ना उस है कि 2 मिनटा बाद टुटना, तो वैसे जी 10 मिनटा बाद टुटना चाहिए आनी 2 मिनटा बाद टुटना, मैं चलो सही है जनाब। बसें बच्चे 2 गिण जुड़ के 2-4 ही बंदे बैठे हैं पीछे लगे, 2-4 बंदे बैठे हैं, चलो हम उतना कि मिलसा अगले स्टापे पर बसें लैके। हाँ जी दोस्तों, तो हूँ मैं बसा च लै गया, हूँ जनाब 3 बसा का इंतजार कर सा,
ਤੇ ਚਲੋ 3 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਕੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਉਸ ਬੱਸਾਂ ਪਰ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਲੋਸਾ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬੱਸਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜੁਲਸਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਹੈ ਡੋਲਰਾਮਾ ਤੋ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਲੈ ਸਕਣੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੜ ਛੜ ਪਏ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਸਕਣੀ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਸ ਗੱਜੋ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਪਏ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਬਸ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਸ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬਸ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਰੀ ਆਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਸ ਵੀ ਆਈ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਹੈ ਬਹਿਣੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੈਸਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਸਾਂ ਜੀ ਬਸ ਆ ਗਈ ਬੱਸ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਰ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇ ਸਾਂ ਕਾਰ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਾਂ ਜਨਾਬ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਜੇ ਸਾਂ ਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉਸਨੇ ਸਟਾਪ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਸਕੀ ਫਰੰਟ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਬੱਸਿਆ ਪੈਸਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚਲ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਬਸ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਬੱਸਾਂ ਪਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਾਤੀ ਨੇ 10 ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਐਸਾ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਨਾ ਜਨਾਬ ਘਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਚੈਨਲ ਕੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਕੀ ਵੀ ਦਬਾ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਆਵੇ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਮਿਲਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਲਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਬਣਾ ਸਾਂ ਚਲੋ ਮਿਲਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਰੱਖ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।